स्वागत है दोस्तों ग्लोबल फैक्ट में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे गांव की जो मिट्टियों के मूर्तियों से पूरा का पूरा गांव बना है। तो गाइस आपका रिएक्शन होगा कि ये कैसे हो सकता है कि यार मतलब मिट्टियों के मूर्तियों से बना पूरा गांव, आपको लगेगा शायद कि यहाँ फेक है, बट आपको बता दें गाइस यह सच है। तो गाइस यह मूर्तियों से बना पूरा का पूरा गांव भारत में ही देखने को मिलता है, मतलब इंडिया में ही देखने को मिलता है। इस दुनिया में कलाकारों की कमी नहीं है, बेसिकली हर जगह हर देश में आपको कलाकार देखने को मिल जाएंगे, मतलब आर्टिस्ट ने भी कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब रियल में कोई गाँव में है हम, मतलब ऐसा फील होगा। जिस प्रकार हम एक गांव में जाते हैं, मतलब गांव में जिस प्रकार एक कल्चर्स होता है, मतलब पीपल्स होते हैं, एक गांव में हर तरह की एक्टिविटीज गांव में देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार ऐसी कुछ आर्टिस्ट ने भी कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि मतलब पूरा का पूरा गांव का सेप, पर आपको लगेगा कि यह पूरा का पूरा गाँव ही है, मतलब गाँव ही बसा है, ऐसा फील होगा देखने से। तो हाँ गाइस यह भारत देश में ही देखने को मिलता है जो कि कोलकाता में है। कोलकाता में एक आर्टिस्ट मतलब मूर्तिकार ने कुछ इस प्रकार डिजाइन किया है कि मतलब पूरा सेप पूरा गांव का डिजाइन में मिट्टियों के मूर्तियों से बनाया गया यह पूरा का पूरा गांव है। आपको देखकर नहीं लगेगा कि यह कोई स्टेचू प्लेस है, आपको लगेगा कि मतलब रियल लाइफ में हम किसी गांव को देख रहे हैं, ऐसा फील होगा। जैसे गाँव का लुक देखने को मिलता है ठीक उसी प्रकार गाँव के जैसे ही नज़ारा दिखता है। तो गाइस ये तो बहुत ही अमेजिंग है जिस प्रकार एक गांव में कैसे मतलब हर तरह के चीजें देखने को मिलता है, जैसे मतलब किसान देखने को मिलता है, बैल गाड़ी, मतलब हर चीज, हल और भी कई ऐसी चीजें गांव में देखने को मिलता है। बहुत ही अमेजिंग है कि मतलब गांव में किस प्रकार लोग रहते हैं, मतलब कैसे कैसे कल्चर्स रहते हैं, हर तरह की आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि मतलब पूरा एक गाँव है यार। दुनिया में भी टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। और गाइस गजब की बात तो यह है कि इन मूर्तियों को देखकर आपको लगेगा कि मतलब हमसे कुछ बातें भी कर सकते हैं यार। सिर्फ इन मूर्तियों में सिर्फ जान डालने बाकी थी एक मूर्तिकार गांव जैसे ही सेव दिया। ऐसे टैलेंटेड मूर्तिकारों के बारे में आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी दुनिया के ऐसे अजीब गरीब चीजें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इस चैनल पर ऐसी अजीब गरीब चीजें आती है। धन्यवाद।